दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जिला ऊना में गांव भटोली में एक साथ कोरोना के 16 नए मामले पॉजिटिव आने के बाद दहशत मच गई है। इतने लोगों की संपर्क सूची खंगालने में स्वास्थ्य विभाग को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने टैक्सी चालक पर एफआईआर दर्ज करवाने की शिकायत पुलिस विभाग में दी है। टैक्सी चालक को होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन इसने नियमों का पालन नहीं किया और बाहर घूमता रहा, जिस कारण गांव में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। युवक के परिवार के साथ साथ इसके परिजन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संपर्क में आए लोगों से स्वयं ही होम क्वारंटाइन होने की अपील की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाल रहे हैं। ऊना में पिछली रात को जो रिपोर्टिंग आई उसमें 26 केस आए हैं, जो 16 केस हैं एक ही गांव के, भटोली गांव है मैथपुर के पास, वहां के आए हैं। और ये एक इंडेक्स जो मेन पॉजिटिव टैक्सी ड्राइवर था, जो कि जिसने होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया और वो काफ़ी जगह लोगों से कांटेक्ट में आया है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी होगी और कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो है एक दो केस बाकी जगह से आए हैं, ज़्यादातर प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और उनके जो बाकी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी भी ट्रेसिंग की जाएगी और उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। सर, अगर बात की जाए तो शिफ्ट करने की तो क्या व्यवस्थाएं जो है वो भी बात करना जी, हमारी अभी हमारे पास कोई 15 बेड जो हैं डीसीसी खड में अवेलेबल हैं और 6 बेड हमारे पीर निगाह में बसोली में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारा दुलहेड़ में हमने एक डीसीसी जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है और एक हमारा पालकवा में ऑलरेडी जो है नोटिफाइड है डीसीसी, तो बेड्स का हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अंडरटेकिंग दे रहे हैं और जिनके घर में एक कमरा और बाथरूम अलग से अवेलेबल है, सुविधा है, उनको अंडरटेकिंग लेके और एक इंस्पेक्शन करके हम वहाँ पे उनको होम आइसोलेट किया जाएगा और हमारी टीम जो है डेली उनसे उनका चेक करेंगे, सिम्टम्स भी चेक करेंगे और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी चेक करेंगे। डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में इस सत्र से डी फार्मेसी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2007 से बी फार्मेसी की कक्षाएं चला रहे डीडीएम कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि प्लस टू उत्तीर्ण विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिसके लिए 60 सीटों का प्रावधान है। इससे पहले डीडीएम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी फार्मेसी की 60 सीटों हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीडीएम शिक्षण संस्थान पीसीआई से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एडमिशन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत में नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देशराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में बीए, एलएलबी, एलएलबी, बीएससी नर्सिंग व जीएनएम नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क करें।